अभिषेक मल्हन से मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं गए एल्विश यादव? क्या टूट गई है दोनों के बीच की दोस्ती? बिग बॉस OTT 2 विनर ने बताया सच। बिग बॉस OTT सीजन 2 खत्म हो चुका है और इस मोस्ट सक्सेसफुल सीजन के विनर यूट्यूबर एल्विश यादव रहे। वहीं एक और यूट्यूबर अभिषेक मल्हन और फुकरा इंसान शो के फर्स्ट रनर अप बने। बिग बॉस OTT 2 में एल्विश की जीत के बाद से उनके और अभिषेक मल्हन के फैंस के बीच सोशल मीडिया पर जंग सी छिड़ चुकी है। वहीं खबरें ये भी है कि अभिषेक और एल्विश की दोस्ती में दरार आ गई है। जहां हॉस्पिटल में एडमिट अभिषेक से मिलने के लिए कई कंटेस्टेंट पहुंचे थे, तो एल्विश अभी तक उनसे मिलने नहीं गए हैं। वहीं अब एल्विश ने खुद इस पर चुप्पी तोड़ते हुए पूरा सच फैंस को बताया है। एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने फैंस और अभिषेक मल्हन के फैंस से किसी को भी ट्रोल न करने के लिए कहा और असल वजह भी बताई है कि वो शो के बाद अभिषेक से क्यों नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर एक चीज काफी फैल रही है, एक नहीं बल्कि काफी चीजें फैल रही हैं। एक तो एक दूसरे को नीचा दिखाना, कहीं मेरी बुराई कहीं अभिषेक की बुराई की भाईचारा खत्म। ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए? एल्विश ने आगे बताया और कहा, तो भाई तुमने देखा होगा कि इस चार दीवारी में बंद हूँ। अपनी मर्जी से तो मैं यहाँ बंद नहीं रहूंगा, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी मैं बंद ही था और यहाँ पर भी मैं बंद हूँ। सिक्योरिटी रीजन से बिग बॉस वालों ने मुझे इधर रखा हुआ है और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। बिग बॉस OTT 2 के विनर ने आगे कहा, मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी उससे फोन पर बात की। उसने मुझे बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट वहीं पर मिलूंगा आकर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोकॉल्स हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। अब सारी चीजें हाथ में नहीं है, तो उस चीज को प्लीज नेगेटिवली ना लिया जाए और किसी के प्रति कोई हेट ना फैलाई जाए। थैंक यू। बोला, आपका एल्विश यादव के इस वीडियो पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।